Hi everyone. So let's start with some new phrases today. So let's get started. So our first phrase is steal the show. Steal the show means होता है सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना means दर्शकों का दिल जीत लेना be the center of attention. कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी program में जाते हैं वहाँ बहुत सारे artists perform करते हैं that time we means we like one of them. और वही क्या सेंटर बन जाती है अटेंशन का सेंटर बन जाती है किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है वही सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है तो ऐसी परफॉर्मेंस के लिए या ऐसे सिचुएशन में हम स्टील द शो यूज़ करेंगे लेट्स टेक सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस फ्रेज़ फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हर क्यूट वॉइस स्टोल द शो एट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल स्कूल के पहले ही दिन पर उसकी प्यारी सी आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया ऐसा होता है ना कोई बच्चा मतलब इतना अट्रैक्ट कर देता है कि सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो सो दैट टाइम ही स्टील्स द शो वो क्या कर देता है सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है सबका दिल जीत लेता है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड हैज़ एन एबिलिटी टू स्टील द शो मेरी फ्रेंड में एक खासियत है कि वो सबका दिल जीत लेता है सो so, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपको बोलना हो कि दर्शकों का दिल जीत लिया किसी ने या मेन सेंटर ऑफ़ अट्रेक्शन बन गया कोई दैट टाइम यू कैन यूज दिस फ्रेज आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस इन अ सेंटेंस लेट्स टेक अनादर फ्रेज अनदर फ्रेजेस रोल वन साइज रोल वन साइज का मतलब होता है आँखें घुमाना कभी ऐसा होता है ना हमें किसी की बात पसंद नहीं आ रही होती है तो हम ऐसा जेस्चर देते हैं कि हमें पसंद नहीं है हमें इंटरेस्ट नहीं है सुनने में तो हम अपनी आँखें घुमा देते हैं है ना टू मूव योर आइज़ अपवर्ड्स एस अ वे ऑफ शोइंग दैट यू आर अनोयड और बोर्ड आफ्टर सम वन हैज डन और सेट समथिंग किसी ने कुछ कहा उस टाइम पे हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है सुनने के लिए तो दैट टाइम वी जस्ट रोल अवर आइज लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स वेन एवर आई टॉक अबाउट माई गर्ल फ्रेंड यू ऑलवेज स्टार्ट रोलिंग योर आइज़ जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता हूँ तुम हमेशा अपनी आँखें घुमाना शुरू कर देती हो तो ऐसा होता है ना कभी हम किसी की गर्लफ्रेंड या किसी के फ्रेंड को पसंद नहीं करते और वो हम हमारे सामने उसके बारे में बात करते हो तो हम क्या करते हैं कि ये शो करने के लिए कि हम इंटरेस्टेड नहीं है हम अपनी आँखें घुमाना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस फ्रेज अनदर एग्जाम्पल इज आई सन ऑलवेज रोल्स हिज आइज वैन आई आस्क हिम टू गो टू हिज ग्रैनी जब मैं अपनी बेटे को उसकी नानी के पास जाने को कहती हूँ तो वो अपनी आँखें घुमाने लगता है तो आप ऐसे समझो कि वो दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ जाने में सो so, कभी ऐसा होता है कोई हमसे कुछ कर चाहता है कि हम ये करें और उस टाइम पे हम जस्ट वी आर रोलिंग अवर आइज इट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी आर अनोड ऑफ वर्ट दे आर सेंग अस सो दैट्स हाउ यू कैन यूज This phrase in your sentences. I hope you must have understood. You have learned something new today. If you liked my video, please do subscribe and hit the bell icon. Thank you.